लेनोवो ओन्ड कंपनी मोटोरोला ने पिछले महीने अपना वन फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन लॉन्च किया था। मिड रेंज के इस स्मार्टफोन के बाद कंपनी ने इस सीरीज के बेस मॉडल मोटोरोला वन फ्यूजन को भी लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन को कंपनी ने चुपके से लैटिन अमेरिका में लॉन्च किया है। फ़ोन बजट प्राइस रेंज में दमदार फीचर्स के साथ आता है और इस स्मार्टफोन का कॉम्पिटिशन दूसरे बजट स्मार्टफोन से होगा। वन फ्यूजन को चिली में 1,99,990 चिलियन पीसो यानी करीब $250 की प्राइस में लॉन्च किया गया है और इस स्मार्टफोन को केवल एक ही स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया गया है। साथ ही फ़ोन दो कलर ऑप्शंस एमरल्ड ग्रीन और सैफायर ब्लू में आता है। वहीं फ़ोन के फीचर्स की बात करें तो 6.5 इंच के HD प्लस डिस्प्ले के साथ आने वाले इस फ़ोन में वाटर ड्रॉप नॉच वाला IPS LCD डिस्प्ले पैनल दिया गया है और फ़ोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 SoC के साथ लॉन्च किया गया है। फ़ोन के स्टोरेज की बात करें तो 4GB रैम प्लस 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज इसमें दी गई है। फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज को यूजर्स माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ा सकते हैं और फ़ोन एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड MIUX पर रन करता है और डुअल 4G वोल्ट इन नेटवर्क का सपोर्ट इसमें दिया गया है। फ़ोन के बैक में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का, इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर इसमें दिया गया है। फ़ोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। साथ ही फ़ोन के बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर और फ़ोन के साइड में डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन भी दिया गया है। वहीं फ़ोन को पावर देने के लिए 5000 mAh की दमदार बैटरी मिलती है जिसे चार्ज करने के लिए इसमें USB Type-C पोर्ट मिलता है।